सांसद स्टार खेल महाकुंभ हमीरपुर के ग्रैंड फिनाले में तीसरे व अंतिम दिन रविवार को वरिष्ठ माध्यमिक बाल पाठशाला स्कूल ग्राउंड में खेल महाकुंभ के बास्केटबॉल और वॉलीबॉल के फाइनल मुकाबले हुए, जिसमें काफी रोमांच देखने को मिला। बास्केटबॉल के फाइनल मुकाबले में टोनी देवी ने ऊना को 74-66 से हराया। वहीं वॉलीबॉल के मुकाबले में हरोली ने झंडता को 3-0 से पराजित किया। दोनों ही प्रतिस्पर्धा में विजेता टीम को 51,000 रूपए व उपविजेता टीम को 31,000 रूपए की धनराशि देकर सम्मानित किया गया। तीसरे और चौथे स्थान पर आने वाली टीमों को 11,000 रूपए देकर पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व विधायक एवं HRTC के उपाध्यक्ष विजय अग्निहोत्री और कौशल विकास निगम के प्रदेश समन्वयक नवीन शर्मा एवं राष्ट्रीय स्तर के बास्केटबॉल खिलाड़ी प्रीतम चंद उपस्थित हुए। विजय अग्निहोत्री ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद अनुराग ठाकुर ने खेल क्षेत्र में जो मंच ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ियों को प्रदान किया है, वह काबिले तारीफ है। सांसद स्टार खेल महाकुंभ हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के युवाओं को नशे से दूर रखने और उनकी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने का सांसद अनुराग ठाकुर का अनूठा प्रयास है, जिससे 18 ब्लॉकों की 1400 टीमें और 25,000 युवा जुड़कर विभिन्न खेल प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं। वहीं नवीन शर्मा ने कहा कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद अनुराग ठाकुर ने खेल क्षेत्र में जो मंच ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ियों को प्रदान किया है, वह बहुत ही बढ़िया है। उन्होंने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताओं से युवाओं को नशों से दूर रखने और उनकी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने का सांसद अनुराग ठाकुर का यह अनूठा प्रयास है। देखिए, खेल महाकुंभ जो है वो पिछले 10 महीनों से, जो मेरी जानकारी है, पिछले 10 महीनों से खेल महाकुंभ का आयोजन जो है वो हमारे हमीरपुर के लोकप्रिय सांसद और युवा सांसद के द्वारा एक अच्छा प्रयास जो है वो और अनूठी पहल जो है वो इस देश के अंदर भी और इस प्रदेश के अंदर भी की गई है। और उन्होंने ये नारा दिया कि खेलेगा युवा जीतेगा हिमाचल, युवा फिट तो हिमाचल हिट। ये सारे नारों के साथ जो है वो हमारे सांसद ने एक अनूठा प्रयास यहाँ पर किया है, अच्छी पहल यहाँ पर की है। तो इसके लिए मैं अपने लोकप्रिय सांसद माननीय अनुराग ठाकुर जी को भी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास ये किया है। साथ ही साथ जितने भी आयोजक हैं, अभयवीर लवली जी हैं और बाकी उनकी सारी टीम है, उनको भी मैं बधाई देता हूँ कि सफल आयोजन जो है वो पिछले 10 महीनों से जो है वो खेल महाकुंभ का जो है वो यहाँ पर हो रहा है। और अभी अभी जो है वो प्रयागराज में जो है वो कुंभ भी समाप्त हुआ है, 2 महीने कुंभ चला है, वहाँ भी जो है वो करोड़ों लोगों ने जो है वो आस्था की डुबकी लगाई है। और मैं यहाँ जानकारी प्राप्त कर रहा था तो यहाँ भी जो है वो इस पार्लियामेंट क्षेत्र के जो है वो 10 महीने में 1400 से अधिक टीमों ने भाग लिया और लगभग 25,000 युवाओं ने जो है वो इस खेल महाकुंभ में जो है वो यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है, इसमें जो है वो डुबकी लगाई है। धन्यवाद। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा सचिव विजयपाल सोहारू ने कहा कि अनुराग ठाकुर के द्वारा इस तरह की खेलों के आयोजन से युवाओं को एक मंच मिला है और ग्रामीण स्तर पर युवाओं को उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध हुआ है, जिससे कि युवाओं को आगामी समय में भी काफी लाभ मिलेगा। सोच थी कि गांव का बच्चा खेलों से जुड़े, उसी सोच को फलीभूत किया है, ये अनुराग ठाकुर जी के अथक प्रयासों की वजह से हो गया है। आज 18 ब्लॉकों के बच्चे इन खेलों में भाग ले रहे हैं, आज इसका ग्रैंड फिनाले है, फाइनल मैच हैं। और खेलों में जो बच्चा हिस्सा लेगा वो नशे से दूर रहेगा। आज की प्रदेश की स्थिति ऐसी है कि युवा, लगभग काफ़ी युवा पंजाब की तर्ज पे हिमाचल में भी नशे का शिकार हो रहे हैं, नशे का कारोबार बहुत ही बढ़ रहा है, उसको रोकने के लिए युवाओं को एक सही राह दिखाई है। अनुराग ठाकुर जी के प्रयासों की वजह से आज युवा खेलों में शामिल हुए हैं और ये देश का भविष्य उज्जवल करेंगे। जिस देश का युवा अग्रसर होगा, मेहनती होगा, स्पोर्ट्स में होगा, वो देश तरक्की करेगा निश्चित तौर पर ही।